और अब आपको लिए चलते हैं चूरू, जहां पर छापर कस्बे में एक ऐसा परिवार है जिसकी पीढ़ी बीमार, विकलांग और असहाय गायों की सेवा में जुटी है। यहां की गौशाला में करीब 600 से ज्यादा गोवंश हैं, जिनमें ज्यादातर अंधे हैं, बीमार हैं और विकलांग हैं। निस्वार्थ से गौ सेवा में लगे इस परिवार के जज्बे की हर कोई तारीफ करता है। चूरू के छापर गौ सेवा समिति में मौजूद इन गायों को देखिए। यहाँ आपको ज्यादातर ऐसी गायें मिलेंगी जो विकलांग हैं, बीमार हैं। ज्यादातर गाय यहाँ सड़क हादसे में घायल होकर पहुंची हैं। आज इस गौ सेवा समिति में 600 से ज्यादा गौवंश हैं, जिसकी देखभाल की जाती है। गौ सेवा का ये काम यहाँ सालों भर निरंतर जारी रहता है। इसकी स्थापना एक गोवंश से शुरू की थी मेरे पिताजी स्वर्गीय बाबूलाल जी रतावा ने, जो अपाइज एक्सीडेंटल गाय थी उसको लाकर एक जगह रखकर उसका इलाज शुरू किया और वहीं से इस गौशाला की नींव रखी गई। छापर के बाबूलाल रतवा जो पेशे से ड्राइवर थे, इन्होंने गौ सेवा समिति की स्थापना की। 2004 में सड़क हादसे में घायल एक गायों को लाकर उन्होंने देखभाल कर स्वस्थ कर दिया। 2012 में बाबूलाल रतवा के निधन के बाद भी उनके पुत्रों ने गौ सेवा का सिलसिला जारी रखा है। यहाँ पर लगभग 600-650 गायें हैं और रोज 3-4 गाय आती है, एक्सीडेंट हो कोई बीमार गाय है यहाँ सेवा होती है, और अंधी गायें भी है, कोई पैर टूटा हुआ है, अभी देखो ये कि विदेश से आया है, देखो एक्सीडेंट हुआ है, तो यहाँ इलाज चलता है अच्छी तरीके से। गौशाला में अलग अलग इकाइयां बनाई गई हैं, जिसमें आवारा पशु, विकलांग पशु, अंधे पशु और बीमार पशुओं के लिए अलग अलग जगह तय की गई है। पशुओं के लिए इस गौशाला में एक निजी चिकित्सक भी है। होली और दिवाली पर्व पर इस गौशाला में सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होते हैं, जिसमें कस्बे के लोग बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं। प्रत्येक अमावस्या को इस गौशाला में एक वाहन निकलता है जो कस्बे के घर घर से अनाज नगद राशि उठाता है, जो गौ सेवा में खर्च की जाती है। गौशाला है, इसमें कुल मिला के 600 गायें हैं, 100 गाय बीमार है जिनका इलाज चल रहा है अच्छी तरह से, आप सब देख ही रहे हैं, और कुछ बिना माओं के बच्चे हैं उनको भी सेवा की जा रही है, और बहुत अच्छी तरह से काम चल रहा है यहाँ का, सेवा कार्य बहुत अच्छी तरह से चल रहा है। असहाय और गरीब गायों की सेवा के लिए जिस तरह एक परिवार समर्पित है, इलाके में लोग उनके इस कामों में काफी प्रशंसा करते हैं। निस्वार्थ भाव से की जा रही गौ सेवा को लोग सबसे बड़ा पुण्य मानते हैं। वहाँ रस्ते में पड़ी इस गाय को हमने देखी, इसलिए यहाँ छापर में ऐसा सुना था कि गायों की सेवा होती है, इसलिए इस गाय को यहाँ लेकर आए हैं। वहाँ पड़ी को कुत्ते वगैरह खा जाते हैं, इसलिए हमने इसको छापर में एडमिट करवा दिया है और इसकी यहाँ अच्छी सेवा होगी। आज के इस दौर में लोग अपने पशुओं को सड़क पर भटकने के लिए छोड़ देते हैं, असहाय होने पर मुंह मोड़ लेते हैं, लेकिन चूरू के छापर कस्बे का यह गौशाला दूसरों के लिए किसी प्रेरणा स्रोत से कम नहीं है। नरेंद्र राठौड़, जी मीडिया, चूरू।